मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। सनातनियों, आज बहुत बड़ा उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे सनातनी ये प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि नाम जपने से क्या होगा, भजन करने से क्या होगा, भगवान के नाम की कितनी महिमा है। अभी एक दो दिन पहले ही प्रैक्टिकल सामने आया, मैं न्यूज चैनल देख रहा था, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज हमारे ब्रज में कहेंगे तो बकरिया ईद है, समझ गए, बकरी ईद है आज। और आज तमाम पशुओं को, जीवों को उनका वध होगा। हालांकि हमारे यहाँ कहते हैं गौ माता को माँ कहते हैं, गौ माता को, और कहते गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। और हम सनातनी चींटी को भी मारने में विश्वास नहीं रखते, परंतु फिर भी हम किसी के धर्म पर प्रश्न नहीं कर रहे हैं। हम तो ठीक है, जो जिसको लाइक करता है। भगवान ने एक बात बहुत अच्छी कही है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी मनुष्य या सब जीव मेरे ही बनाए हुए हैं और सब मुझे प्रिय हैं। तो भगवान की बनाई हुई चींटी का भी वध हमको नहीं करना चाहिए, पर फिर भी कुछ लोग बकरी ईद कर मनाते हैं और बकरे बकरियों का वो जो भी होता होगा वो करते होंगे। मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं, पर मैं बकरी ईद ने ही बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। किसी विधर्मी ने सनातन धर्म का अपमान करने के लिए, सनातन धर्म का अपमान करने के लिए बकरे को, जिस बकरे को बेचना होगा उस बकरे के ऊपर लिख दिया राम। क्या लिख दिया? राम। और क्या हो गया जानते हो? उस बकरे की जान बच गई, उस बकरे के प्राण बच गए। क्यों? जाने अनजाने में ही सही, उसके तन पर राम लिख दिया गया तो उसको पुलिस ले गई और वो कटने से बच गया। ये जबरदस्त उदाहरण है। अब उस बकरे ने नहीं चाहा था, उस बेधर्मी ने हमारे राम का अपमान करने के लिए, हमारे सनातनियों को अपमानित करने के लिए उस बकरे के ऊपर राम लिखा था। वो ये भी नहीं जानता होगा शायद कि किसी को पता चल जाएगा मैं भगवान का नाम लिखूंगा और हिंदुओं के भगवान का तो मेरे समाज के लोग ज्यादा कीमत देंगे। उसने उस लफड़े में किया होगा उसको, लेकिन बकरे को क्या मिल गया? बकरे को मिल गया राम का आश्रय, राम नाम का आश्रय। और जब राम नाम का आश्रय हुआ तो क्या हो गया? किसी ने देख लिया, सनातनी ने, चार लोग इकट्ठे हुए, पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए, बकरे को ले गए, बकरा बच गया, वो जो विधर्मी था वो जेल चला गया। अब बताओ, इसीलिए रामायण में लिखा है भाव को भाव अनख आलस हु नाम जपति मंगल दिशि दशु। भगवान के नाम का आश्रय चाहे हम भाव से लें, कुभाव से लें, आलस्य में लें, प्रमाद में लें, कैसे भी लें, भगवान के नाम का आश्रय तो पशुओं ने भी ले लिया। पशु ने क्या, गजराज की कथा है, अजामिल की कथा है, कहते हैं ना गीध अजामिल गण का तारी, राम नाम की महिमा भारी। बहुत महिमा है, बड़ी जबरदस्त महिमा है। एक और बात बताऊं, बकरा कटवे थे बच को, काहे को बकरा कटवे थे बच को, क्यों? वाके ऊपर राम लिख को, समुद्र मंथन के समय पत्थरों के ऊपर राम लिखा गया तो समुद्र पे वो पानी में डूबे नहीं, वो तैर गए, ऊपर आ गए, तर गए। तो जब पत्थर तर सकते हैं, बकरा कटने से बच सकते हैं, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। और सुनो, एक और बात पूछ रहा हूँ, किसी हिंदू ने वो कहा है क्या, मुबारक हो मुबारक हो? तुम लोगों ने कहा है? मैंने तो किसी को नहीं कहा है। मैंने इसलिए नहीं कहा है क्योंकि ये लोग दीपावली पे हमको राम राम नहीं करते, होली पे हमको राम राम नहीं करते। तो जो दीपावली पे होली पे हमको राम राम ना कहे, हम उनके बकरा ईद पे हमें क्या मतलब पर रो, वो अपने त्यौहार खूब खुशी खुशी मनावे। पर एक बात ध्यान रखें, बकरा कटवे थे बच गो, कहते राम लिख गई आपके ऊपर। जय श्री राम।